थैंक यू स्मृति सो मच. अभी हमने देखा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, हमने उस पर काफी बातचीत करी, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे थे. ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन उसके लिए लॉ क्या है, सोल्यूशन क्या है, हमारे राइट्स क्या है अंडर द लॉ. पहले मुझे बताइए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ये सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, पुरुषों के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है. तो आज हम सारे लॉज जो पुरुषों के महिलाओं के हक में है, जो पुरुषों के लिए भी जो एप्लीकेबल है और जो बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो पहले जो आपके लिए एप्लीकेबल है, आप जब सेट्स पे होते हो, ऑडिशन देने जाते हो, ये सब आपके लिए काम करने की जगह में आ सकता है, काम करने की श्रेणी में? और क्या क्या काम करने की जगहों की श्रेणी में आ सकता है आपके, जैसे कि आपका सेट हो गया, एक तो वो हो गया, प्रोडक्शन हाउस हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन स्टूडियोज हो गए, और क्या हो गया? सॉरी एक सेकेंड, एक ही करके. हाँ जी, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जाना पड़ता है, और क्या हो गया? डबिंग स्टूडियोज, ठीक है, प्रमोशनल इवेंट्स, प्रीमियर पार्टीज, एक्टिंग क्लासेस, ओके, आउटडोर शूट, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, मतलब ये कहाँ से आ रहा है? जैसे कि आपके आउटडोर शूट है, आपके शूटिंग्स होते हैं, ठीक है, अब आप शूटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आपकी प्रोडक्शन हाउस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन हाउस पे एक कानून एप्लीकेबल है, जो है ये 2013 का कानून है, जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेस एक्ट, फॉन्डली नोन एज पॉश लॉ, क्योंकि ये काफी छोटा नाम है जैसे आप देख सकते हैं, सो इट्स कॉल्ड एज पॉश लॉ. ठीक है, अब ये 2013 में आया था, इसका आने का कारण बहुत सारे हैं, इसके साथ में ये लॉ के साथ में एक और प्रोविजन आए थे हमारे क्रिमिनल लॉ में, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे. आप सब लोगों ने निर्भया कांड के बारे में सुना है, इट वॉज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस लॉ एज वेल एज दिस प्रोविजन टू बी इन प्लेस इन मेनी वेज. अब इस लॉ के अंतर्गत क्या कहा गया है, जो पॉश लॉ जिसे कहते हैं, जो 2013 का कायदा है, इसमें कहा गया है कि कोई भी संगठन, किसी भी तरह का संगठन जिसके 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, ठीक है, उसे इस लॉ का कंप्लायंस करना है. 10 एम्प्लॉइज कोई भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है. और इस लॉ के अंतर्गत ये भी कहा गया है, आप मुझे बताइए कि आप एज एन एक्टर भी एक तरह के एम्प्लॉइज कहलाए जाएंगे प्रोडक्शन हाउस के लिए? ठीक है, आप उनके ऑफिस में ही बैठते जी, बिल्कुल, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कहलाए जाएंगे, तो आपके ऊपर भी उनका उत्तरदायित्व है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके प्रोडक्शन हाउस की. सो जहां पे आपकी शूटिंग आपको करती है, जहां पे आउटडोर शूट्स हो रहे हैं, या आप शूटिंग पे है, या प्रीमियर पार्टी पे, ऑडिशंस के लिए गए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोडक्शन हाउस, और वो ये लॉ का पालन करेगा. इस लॉ में क्या क्या है, ये आपके जो काम करने की जगह है, ये सब उसका वेरियस उदाहरण है. आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपकी काम करने की जगह हो सकती है, कैसे हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कैसे हो सकती है? व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, वो कैसे आपके काम करने की जगह हो सकती है? जी जी एग्जैक्टली, हाँ जी. तो उस पर अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, या किसी तरह का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो वो भी कवर है इस लॉ में, ये इतना वाइड है. अब इस लॉ में क्या क्या कंप्लायंस करना है आपको, क्या इनके प्रोडक्शन हाउस को क्या क्या करना है, इनके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसे कहते हैं एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी. उसके अलावा एक कमेटी का एक संगठन होनी चाहिए, कमेटी जिसे कि समिति होनी चाहिए जिसे कहते हैं आंतरिक समिति. ठीक है, आंतरिक समिति में होते हैं करीब मिनिमम 4 लोग होने चाहिए उसके आंतरिक समिति में. उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, इसका मतलब है बाकी के 50% पुरुष भी हो सकते हैं. जो उनकी हेड होती है उनका नाम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, और जो एक और एडिशनल मेंबर होता है वो 4 लोगों में, वो है एक्सटर्नल मेंबर जिसे इस लॉ की जानकारी होती है, या कोई एनजीओ जो महिलाओं के लिए या ऐसे लॉज के लिए काम करता है, वो एज एन एक्सटर्नल मेंबर आ सकता है. जो भी कंप्लेंट्स होती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की,
वो सिर्फ और सिर्फ ये समिति देख सकती है, ना प्रोड्यूसर खुद देख सकते हैं, ना आपको हैंडल कर सकते हैं। किस तरह की कंप्लेंट्स आप देख सकते हैं, आपके साथ कुछ हो जाता है, आपने डायरेक्टली जाके बात कर दी, सिर्फ बोला है आपने कि ये इंसान ने मेरे साथ दर्ज करने के लिए आपके पास जो है वो 3 महीने का वक्त होता है। जब से आपके पास इंसिडेंट हुआ था उसके 3 महीने का वक्त है आपके पास, वो आंतरिक समिति के पास, वो कंप्लेंट दर्ज करने के लिए लिखित में। कैसे दर्ज करेंगे आप? लिखित में, बोल के नहीं, राइट? और डेफिनेटली नॉट अनोनिमसली। अनोनिमस समझते हो आप? अपना नाम बता के। आपको लगता है कि इस तरह की कंप्लेंट जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसके जो सामने वाला है उसको मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और यही प्रावधान कानून में भी है। जो कॉपी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, जैसे कि आप उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सपोजिंग आपको कोई अश्लील मैसेज भेजा उसने, तो आप वो अटैच कर देंगे कंप्लेंट के साथ में। एज इट इज वो पूरी कंप्लेंट की कॉपी जाएगी रिस्पॉन्डेंट, उसे कहते हैं रिस्पॉन्डेंट। और जो शिकायत करता है उसे कहते हैं कंप्लेंट, इंग्लिश में शिकायत करता है सामने वाला। 7 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट की कॉपी सामने वाले के पास चली जाएगी, उसके पास रहेगा 10 दिन का समय उस कंप्लेंट के ऊपर अपना रिटन रिस्पॉन्स देने के लिए। अच्छा, अभी कंप्लेंट फाइल हो जाती है पॉश लॉ, प्रिवेंशन ऑफ लॉ जो 2013 का, इसके अंतर्गत उसने कंप्लेंट लॉन्च कर दी महिला ने, और उसके बाद फिर वो कहती है अच्छा अगर ये जो भी जिसके भी खिलाफ ये इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई, उसने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, सामने वाले को कॉपी चली गई, उसने रिप्लाई फाइल कर दिया, और वो कहती है ठीक है अभी मुझे इंक्वायरी नहीं करती, अगर ये मुझे 10-20 लाख रुपए दे देगा तो मैं अभी इंक्वायरी खत्म कर दूँगी। बट ऐसे कानूनी अलाउड है, खोलना चाहिए या है कि उसमें क्या गलत है? उसमें ट्रॉमा भी थी, अभी हमने देखा कितना इम्पैक्ट होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। हाउ इज इट मिसयूज ऑफ द लॉ? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है लॉ में जिसे कहते हैं कंसिलिएशन, सेटलमेंट। ओके, इसमें क्या होता है कि इंक्वायरी शुरू होने के पहले अगर कंप्लेनेंट को या कंप्लेनेंट को ये मौका दिया जाता है कि आप सेटल करो, किस तरह का सेटलमेंट हो सकता है आपके अनुसार? इंक्वायरी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है, वो बोलते सेटल करो, किस तरह का? अगर मॉनेटरी तो सेटलमेंट, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो सकता, किस तरह का? अपॉलॉजी लिखवा के दिया जाए। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा ओके, सैंक्शन लगा जाए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कंसिलिएशन, जो सेटलमेंट होता है, ये दोनों की रजामंदी से होगा। आप कहेंगे और वैसा ही होगा, ऐसा नहीं, तो शिकायत करता कहेंगे, ये दोनों की रजामंदी से होगा। और तो अगर ये हो जाता है तो फिर इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर वो चूज नहीं करती, नहीं मैं चाहती हूँ कि इंक्वायरी होए, मैं चाहती हूँ कि इसे सजा मिले, या जो भी उसका मत है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए इंक्वायरी की जाती है। ये किसी में भी फोर्स नहीं किया जा सकता कंसिलिएशन, ना ही कंप्लेंट पे, ना ही सामने वाले पर। ऑफकोर्स, तो भी बिल्कुल सही बात है, दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है फॉर अ सेटलमेंट, और कंसिलिएशन से कहते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जब इंक्वायरी हो जाएगी तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट दर्ज होती है जो दोनों को दी जाती है, शिकायतकर्ता एज वेल एज सामने वाले को। ये 90 दिन के बाद और एडिशनल 10 दिन का कुछ पीरियड रहता है, उसमें रिपोर्ट दी जाती है। ओके, और जो भी एक्शन है, अभी ये जो IC कमिटी है उसमें प्रोड्यूसर्स नहीं बैठते, उसमें उन्हीं के एम्प्लॉयज बैठते हैं प्रोडक्शन हाउस के। एक सीनियर लेवल एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने कहा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, 2 और महिलाएं या एक और महिला, एक पुरुष हो सकते हैं, बाहर वाले एक्सटर्नल मेंबर होंगे, ये सारे एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। सो अगर जो भी एक्शन IC कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इसका गुनाह हो गया साबित,
और अब ये एक्शन लिया जाए, ये प्रोडक्शन हाउस 60 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम से आपने कंप्लेन से फाइल किया 90 days, 10 days, 60 days, कितना टाइम लग रहा है मैक्सिमम, अराउंड फ्यू मंथ्स, एज अपोज टू अगर आप कोर्ट में जाते तो कितना टाइम लगता जी। और ये अनिवार्य है, ऐसी समिति बनाना, ऐसी पॉलिसीज रखना हर एक प्रोडक्शन हाउस के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, एनजीओ एमएनसी से लेकर सारे लोग कंप्लाइंट कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए। और अगर आपने कंप्लाइंट नहीं किया तो आपको पेनल्टी भी है और आपका बिजनेस लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं, ये लॉ के अंदर है। हाँ जी, मैं आ जाती हूँ उस पर। ओके, अगर आपकी समिति है क्यों मना कर रहे हैं आपसे, मतलब आपने कैसे कंप्लेन करी है पहले, आपने लिखित कंप्लेन की है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो एक आपने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड के बारे में सुना, मेनका गांधी जो मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट पे एक लॉगिन है जिसे कहते हैं शी बॉक्स। अगर सपोजिंग आपकी कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कंप्लेन लेना है वो नहीं ले रही है, तो आप जाके शी बॉक्स में भी कंप्लेन कर सकते हैं, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास जाएगी, मिनिस्ट्री इनको बोलेगी कि आप इनको कंप्लाई करने बोले, और पुलिस का ऑप्शन तो आपके पास है ही, आपने एक वर्ड यूज़ किया FIR, ठीक है, आपको पता है, अब मैं उस पर आती हूँ उसका मतलब क्या है, अगर सेक्शुअल हरासमेंट तो एक तरह का ऑफेंस है ही एज पर द क्रिमिनल लॉ, और तरह के क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि और तरह के क्या गुनाह होते हैं, चोरी, डकैती, बलात्कार, मर्डर, ब्लैकमेल, ठीक है, अच्छा हाँ, और भी बड़ा राइट। अगर मैं दो श्रेणी में बांटूं इस तरह के जो ऑफेंसेस है, तो दो श्रेणी होती है, एक होते हैं कॉग्निजिबल जिसे कहते हैं, और एक कहते हैं नॉन कॉग्निजिबल। आपने एनसी कंप्लेन सुनी है कभी, पुलिस में जाते हो सबसे ज्यादा खुश वो एनसी कंप्लेन लेने के लिए हो जाएंगे, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, आई टेल यू व्हाट इज कॉग्निजिबल। जैसे इनके सीरियस ऑफेंसेस है जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ऑल दीज आर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, एंड दे ट्रिविलाइज इट एंड मेक इट वेरी स्लो कि अच्छा हाथ नहीं लगाया था ना, अच्छा कुछ और तो नहीं किया था ना, एनसी लिखा दो ना, असॉल्ट किया था ना, नॉन कॉग्निजिबल, दैट एग्जैक्टली वो व्यवहार है, वो उनका माइंडसेट है, ठीक है। अब वो एनसी लेने के लिए बहुत खुश है, अगर मुझे FIR लिखानी है, मैं चाहती हूँ कि ये बंदा समाज के लिए खतरा है और अब मुझे इसके खिलाफ FIR दर्ज करनी है, आपको पता है कि आपके यहाँ पे जब हम बैठे हैं वहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन लागू होता है, आपको जानकारी है कि पुलिस स्टेशन कौन सा लागू होता है आप लोगों को, जहाँ पे घटना हुई है या जहाँ पे अक्यूज रहता है वहीं पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं जी, एरिया तो पता होगा, ऑनलाइन के लिए मैं आ रही हूँ, एक साइबर लॉ का आईटी एक्ट भी है, तो वी कम टू दैट एज वेल, ऑनलाइन कंप्लेंट्स के लिए, एज अपोज टू एन FIR, FIR का फुल फॉर्म पता है लोगों को, बिल्कुल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में अब मैटर्स गेट सीरियस, अब पुलिस को कॉग्निजेंस लेना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, अगर वो एक नॉन पेलेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट भी करना है। तो अब पुलिस का काम बढ़ गया है, आपने एक लॉ के बारे में सुना जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड, जिसे कहते हैं IPC, वो हमारा बाइबल है ऑफ दिस कंट्री फॉर क्रिमिनल लॉ, जितने भी ऑफेंसेस है, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जितने भी है स्पेल्ड आउट है उसमें क्या क्या पनिशमेंट होना चाहिए उसमें मेंशन है। सो निर्भया कांड के बाद ना ही सिर्फ ये 2013 का कानून आया था बल्कि इसके अलावा IPC में बहुत सारे लैंडमार्क चेंजेस हुए थे जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। 354 करके सेक्शन है IPC का, विच इज फॉर आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसमें और चार सेक्शन ऐड कर दिए गए। पहला सेक्शन है 354A, जो सेक्शुअल हैरेसमेंट का सेक्शन है। तो सेक्शुअल हैरेसमेंट जो 2013 का कानून देखेंगे तो वो एक सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, ज्यादा से आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसको काम से निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे, ये सब चीजें एक्शन होंगी अगर आप आंतरिक समिति के पास जाते हो। अगर आप पुलिस के पास जाते क्या होगा एक्शन, जेल में जाएगा इंसान,
सो दोनों पैरेलल ही रन करते करेगा आप आईसी के पास गए हो या नहीं गए हो ये सेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू और उसका अगर आप डेफिनेशन की देखोगे अंदर दी लॉ 2013 का स्मृति ने बताया था आपको कि क्या क्या सेक्शन हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ऑलमोस्ट सिमिलर है इन द दिस लॉ और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने ऐसा गुनाह किया है तो उसको अप टू 3 इयर्स तक सजा हो सकती है ओके आप लोगों ने एमएमएस स्कैंडल्स के बारे में सुना है राइट एमएमएस स्कैंडल्स क्या होते हैं एमएमएस स्कैंडल्स ये होते हैं कि कोई अगर वॉशरूम यूज कर रहा है या कोई नहा रहा है या कोई चेंज कर रहा है तो दे टेक अ स्नीक इन देख लेते हैं वीडियो ले लेते हैं फोटो ले लेते हैं हो सकता है ऐसे बिल्कुल छोटे कैमरास होते हैं मे थिंक अ मिनिस्टर आल्सो हैड टू अंडरगो एमएमएस स्कैंडल रिसेंटली हैव यू हर्ड ऑफ दैट इन अ मॉल सो इट्स दैट रैपिड एंड एक सर्वे निकला था जहां पे निकला था कि 75% ऑफ द पीपल हु अंडरगो एमएमएस और हु आर पार्ट ऑफ द एमएमएस स्कैंडल्स आर नॉट इवन अवेयर कि उनके साथ ऐसा हो रहा है दैट्स अलार्मिंग मीन आप कोई भी वीडियो बना के यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं एनी टाइम एंड इस बिहेवियर को कहते हैं वॉयरिज्म तो देखना एमएमएस बनाना यूट्यूब बनाना अगर आप कोई पर्सनल इसमें हो पर्सनल स्पेस पे हो जहां पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते जैसे वॉशरूम यूज कर रहे हो नहा रहे हो नॉट एक्सपेक्ट टू बी फिल्म्ड और सीन और फोटोग्राफ करेक्ट सो दैट बिकम्स इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी एंड दैट्स पनिशेबल अंडर वॉयरिज्म फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की सजा है 3 साल और अगर आपने हॉबी बना लिया यू वांट टू बी अ प्रोफेशन You will be behind bars for another 7 days. And now it's a punishable offense. आप stalk कैसे कर सकते हो? ना इसे physically पीछा करके through social media. Social media stalking is rampant now. हम trolling के बारे में सुनते हैं, right? Even that is punishable. That is also a form of stalking. और आपने acid attack सुने? Yeah. Acid attack victims में 90% were first victims of stalking. Because it went unnoticed, unpunished, because of which they had the audacity to go ahead and throw acid. Because if you didn't get me, I would not get you. How do you ensure that? That is also now a punishable offense now under the 26A and B, where minimum imprisonment is 10 years or maximum can go up to life imprisonment, as well as you have to pay medical expenses. This also added in the law. राइट अब ये लॉज जो है 354A to D ये सारी महिलाओं के लिए है हमने बात करी थी महिलाओं के लिए है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है यस 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 या एंड देयर हैज बीन अ केस वेयर दिस वुमन हैड फाइल्ड अ फॉल्स केस ऑफ स्टॉकिंग बिकॉज़ द गाय सेड नो टू हर वो शादी करना चाह रही थी उसके साथ में एंड ही सेड नो एंड उसने उसके ऊपर स्टॉकिंग का केस डाल दिया ऐसा भी हो सकता है और फिर क्या उसमें क्या परिणाम होना चाहिए इसका क्या सजा होना चाहिए अगर वो इंसान सच में गिल्टी होता और उस पर ये सजा लागू होती तो सेम सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने जो भी कंप्लेंट करी है एज पर लॉ हमने देखा है कि सेक्शुअल हैरेसमेंट के जो मोस्टली केसेस होते हैं वो एक सुपीरियर अब्यूज ऑफ पावर के में होता है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज हरासिंग अ विक्टिम ओके यूजिंग और अब्यूजिंग द पावर दैट ही और शी हैज करेक्ट ये बहुत ही कॉमन है और ये एज पर लॉ एक पनिशेबल ऑफेंस है ये एक रेप ऑफेंस के अंदर आ सकता है एंड इस पे मिनिमम इंप्रिजनमेंट इज 5 इयर्स एंड मैक्सिमम इज 10 इयर्स सो अलॉन्ग विद द 354A इफ देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व इट विल आल्सो एट 376C व्हिच बिकम्स वेरी सीरियस दिस इज आल्सो एज पर लॉ दिस इज डीलिंग विद अ पर्सन इन अथॉरिटी या प्रोविजन ऑफ पार्टी प्रोविजन ऑफ But just want to add here,
that if someone is using their power to influence you to do something, जैसे आप लोगों ने examples में बताया हमको, वैसे cases में decide करना कि voluntary consent था या forceful consent था, वो बहुत difficult होता है. But the point is कि complain कर सकते हैं, उसके बाद of course the police will take its course and then the discussion will happen to understand कि वो voluntary था या नहीं. And there are ways of understanding that, of course. Yes, psychologists. Yes, there are various ways of understanding that. Yeah, exactly. I don't want to get into the discussion again because I think I'd like to discuss so much about consent with me. We will discuss further about the preventive when Shivangi comes in. Right? Okay, हमने discuss करा था कि ये जो voyeurism है या MMS scandals ये लड़कों के साथ भी हो सकता है? Yes. हो सकता है? Of course, ये हो सकता है. And इसके लिए IT Act है. IT Act is a gender neutral law. What does that mean? कि दोनों पे महिलाओं पे as well as पुरुषों पे लागू होता है. Any obscenity or violation of privacy through electronic communication, यानी कि आपके emails हो गए, WhatsApp हो गए, phones हो गए, cameras हो गए, electronic communication की श्रेणी में जो चीज आती है वो सब इसमें कवर है. Under the IT Act of 2000. And gender neutral. So अगर आपके साथ कोई violation of privacy और आपका ये लगा है आपका MMS scandal है. You can take recourse to this, but it's a very effective law. Up to 3 years imprisonment and one of a kind criminal law, jahan pe penalty and fines are up to 2 lakh rupees. And same goes for another provision, is called obscenity. Jaise ki aapko koi gande message bheja ya pornography bheja, that's obscenity through electronic communication. Again, gender neutral. Abhi humne discuss kara about child artists ke jo hamare issues hote hain, aur there is a हम जो इसे न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी रैम्पेंट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. इट्स नो लॉन्गर अंडर द ब्रश अंडर द कारपेट, इट्स रैम्पेंट हैपनिंग अक्रॉस एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. बिफोर ऑल दिस लॉ, जैसे कि 2013 का कायदा था, जो हमारे जो IPC के प्रोविजन थे, एक कायदा आया था जिसका नाम है पॉक्सो लॉ. ओके, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012. Even before the Sexual Harassment Act came into force. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्मली जब आप कोई क्रिमिनल केस करते हो तो जो स्टेट है या पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है कि आपने वो ऑफेंस किया था. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया. इट्स दैट स्ट्रेट. एंड इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स है ओनली फॉर दिस लॉ. एक तरह का स्पेशल कोर्ट बनाया गया था जहाँ पे एक सब कोर्ट लाइक एटमॉस्फेयर नहीं रहता क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उसमें, एज वेल एज आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप सेक्स पे देखते हो या कहीं और देखते हो कि ऐसे कुछ बात हो रही है किसी चाइल्ड के ऊपर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इनफैक्ट लायबिलिटी है अंडर दिस लॉ टू रिपोर्ट दैट, नॉट टू द इंटरनल कमिटी बट डायरेक्टली टू द पुलिस. You don't waste a single minute if you see something of this nature happening. You immediately go to the police. Agar police cognizance le legi to unpe action diya jayega. Aisa hi law mein likha hua. So we had a lot of discussion today about sexual harassment and what are the legalities around it. We've also seen in the past couple of months, have you heard about the entire Me Too movement that has happened? Yes. And is that also the result why you all are here? अच्छा, सब शायद मी टू मूवमेंट के बारे में बहुत पढ़ने के बाद यहाँ पे शायद आए. राइट, तो क्या रीज़न है कि धीरे धीरे करके लोग अनोनमसली कंप्लेंट्स डाल रहे थे और अब ऑफकोर्स लोग सामने भी आ रहे हैं, बट अनोनमसली क्यों डाल रहे थे या फिर डालते क्यों नहीं, क्या रीज़न है? कुछ रीजन बताए थे आपने यहाँ. राइट, वो सारी चीज़ें थी. All of those things, professional repercussions being the most important. Yes. घर वापस जाने बोलेंगे, parents बुला लेंगे, job चली जाएगी, जो भी सपना देखा था, career सोचा था, सब चला जाएगा, fear रहेगा, threats आ सकते हैं, life को threat हो सकता है, right? वो सारे problems हो सकते हैं. ये सारे majorly reasons थे why people were not complaining, and of course we discussed this in detail. But because of the Me Too movement, a lot of people have come forward. Me Too movement successful क्यों हुआ? और या फिर ये चल क्यों रहा है? ये partly successful क्यों है? Let me take a step back. Do you think it's successful? There is a little sad news. I was surprised in today's paper. Ifka has said that Fox Star should take back Mukesh Chhabra
because nobody has come forward personally. Only anonymous actresses have named him. Now that means one association will not support other, because this case can take years. Now if he gets back into work, that means have we lost or what? Logic unka sahi hai. और मैं आपको बता दूं, सिर्फ इफ्टडा नहीं है, पूरी फेडरेशन ने मांग की है, मैं इसके अगेंस्ट ट्वीट किया है, जिसको बहुत ज्यादा रिट्वीट किसी ने नहीं किया। मी टू मूवमेंट भी थोड़ा शांत पड़ रहा है और ये सारे अटेम्प्ट्स होंगे। मेंटली आप सबको तैयार रहना चाहिए था, मैं तो तैयार था। इस मूवमेंट को के ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे लोग। ये सब नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ब्रश अंडर द कारपेट। उस पूरे आर्टिकल में एक सबसे अहम बात है कि 24 यूनियंस से मिल करके कंप्लेंट्स कमेटी बनाई है और एक हल्की सी थ्रेट दी गई है उस आर्टिकल के एंड में कि अब ये कमेटी है तो आप यहाँ आइए, मीडिया में जाके शेम मत कीजिए। मीडिया में जाएंगे तो फिर ये कमेटी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। दिस बेसिकली पूरे इशू को ब्रश अंडर द कारपेट, सबको क्लीन चिट्स दी जाएंगी एक एक करके। As aware people, as conscientious people, हमारी जिम्मेदारी है to keep calling out, बार बार आवाज उठाते रहे, सवाल करते रहे, इसका और कोई उपाय नहीं है। लेकिन सर अगर ये कह रहे कि बीटी मूवमेंट कम पड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग है। या शुरुआत है? नहीं, शुरुआत है, ये इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट्स नॉट So again, coming back to the entire movement and people speaking anonymously, and again आज जो भी आया है news में, anonymously बोलना बहुत सारे लोग over the years अगर आप देखो पिछले 10 साल में बहुत सारे लोगों ने भी anonymously बोला है, but action बहुत बार नहीं हो पाता anonymously because पता नहीं चलता है कि कहाँ से source है। जब सारा discuss कर रहे थे लोग एंड जब उन्होंने बोला कि कंप्लेन का कॉपी सामने वाली पार्टी को देना चाहिए या नहीं, अब सब लोगों ने बोला हाँ। अगर अनॉनिमस होगा तो आप सामने वाले को कैसे देंगे कॉपी? दूसरी बात यह है कि क्या हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कंप्लेन आया तो ऑटोमेटिकली इंसान गिल्टी होना चाहिए या उसके पीछे कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, चेक करना चाहिए, राइट? सो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से लॉ मेकर्स ने भी बोला रिटन कंप्लेन आया। एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक एज लॉयर्स वी वुड से दैट जब आप कुछ राइटिंग में डालते हो एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है, वो रिकॉर्ड आपके पास होता है, वो रिकॉर्ड आप किसी को देते भी हो। अगर आप किसी सपोज बिकॉज आप ऑल ऑफ यू आर एक्टर्स, आप प्रोडक्शन हाउस में कंप्लेन करते हो तो आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड होता है कि आपने यहाँ कंप्लेन डाला है। टॉकिंग अबाउट फियर कि यू नो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स बैक आई वुड हैव सेड कि प्रॉबेबली यस यू वुड हैव लॉस्ट योर जॉब। आज के टाइम पे इतना इजी नहीं है थैंक्स टू मूवमेंट्स लाइक दिस। इवन दो वी मे फील कि हाँ ये धीरे धीरे कम हो रहा है, डाई डाउन हो रहा है, सी शेकअप जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, बहुत सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, धीरे धीरे वो इवेंचुअली वापस सेटल हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि फिर उसमें क्लैरिटी आती है, देयर हैज़ टू बी अ पॉजिटिविटी आउट ऑफ दिस एंटायर शेकअप। And the positivity will be exactly what corporate India saw about 20 years back. 20 years back, अगर आप corporate India में एक lady को भेज दो काम लेने के लिए and there's a powerful person around, show me one case जहाँ पे ऐसा हुआ हो कि you know case handle हो गया हो और लड़की को निकाला नहीं गया। पहले होता था, but even the India Inc is now absolutely aware of the fact that they need to create healthy workplaces. And look at your industry as well now. All of you are waking up. All of you are here today. Production houses are waking up. We'll see some of the other things. But before that, tell me something. Do you feel कहीं पे भी कि ये movement ने कोई भी change किया है? Changes हुए हैं? Any noted changes that you remember? MJ Akbar, Swell said is yesterday's example. Yes. Yeah, I mean, how could this be like in a month's time it has happened? You can't say a cabinet minister comes back from his trip from abroad and he comes out with this battery of lawyers, 90 lawyers, and the next day
next to next day, you know what had happened? Mr. Modi had to send Ajit Doval to his house, to the security advisor. And next day morning, Akbar met Amit Shah. It was personally directed by Mr. Modi to take, get his resignation. Yeah. How this is a small thing? Yeah. At that level. That is what I said. How can Ushka ask that Mukesh Kamran to take his resignation? I don't know the facts of that case, but other than it's just one. FWICE has demanded, that's the article says, has demanded an instant of Mukesh Hawra. But there's nothing like it has been. Yeah, so see, you know, I just want to point out that kabhi kabhi kya hota hai, hum media reports jab padhte hain, hame uske aage piche ka pata nahi hota. You know, coming again from the space that, you know, today agar maan lijiye Sintar ya koi bhi aur organization kuch action leti hai, उसके पीछे क्या लीगैलिटीज इन्वॉल्व थे, क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व थे, उनके डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं, वो नहीं पता, राइट? सो फॉर अस टू रीड इट इन द न्यूज़ इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग. वी हैव टू नो क्या हो रहा है. आई हैव टू थिंक दैट ही इज ऑलरेडी बीन टेकन बैक. ही इज ऑलरेडी गॉट हिज डायरेक्टर सीट. ही इज गॉट इट बैक. दिस इज लाइक अ यू नो अ लिटिल अर्ली. मेबी आवर थॉट इज प्रीमैच्योर. मेबी गेटिंग हिम बैक इज प्रीमैच्योर. God knows what their documentation also says. At least the request for it. Yeah. The request for it, maybe. So we really don't know where they are right now. But the point is, agar unjustly ho raha hai, but the way, you know, the media and everybody has picked it up right now, I'm sure it will be brought up again. This discussion will be brought up again. Exactly. So, and you know, the beauty of India and the Indians is that we have a lot of checks and balances. आप इंटरनल कंप्लेन करो, वहाँ नहीं होता है, यू हैव द पुलिस, वहाँ नहीं होता है, यू हैव द मीडिया, यू हैव द जुडिशरी. वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन दिस कंट्री एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री. अगर आप किसी भी और कंट्री को देखो, इस तरीके से फंक्शन कितने लेवल तक फंक्शन नहीं करते हैं. विद द लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, यू नो, रिलीजंस वी हैव, द नंबर ऑफ आइडियाज वी हैव, एवरीबॉडी इज यूनिक. आवर रोड्स आर क्राउडेड बिकॉज हमारे रोड पे अब यू नो 5 रुपए कमाने वाले से लेके 5 करोड़ कमाने वाले चल रहे हैं. देयर आर नो सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन एनीवन इन दिस कंट्री. So I think that's the beauty of it, and ये सारे questions time and again raised होते रहेंगे. Again, इस particular case के बारे में we don't know, man. Can't comment on this one. But over the last 1 month, बहुत सारी चीज़ें आई हैं. When we were putting this together yesterday, even we realized the impact of it, कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं. You know, this is as per a newspaper. Household 4, the movie has been suspended. Sajid Khan has been asked to move away. Particle has been asked to move away. Anurag Kashyap और इनकी जो production house थी वो आपको पता होगा, उन्होंने dissolve कर दिया है. Bear has been dropped as a director of one of the prime shows. Hrithik Roshan has asked the producers to, you know, take some sort of an action. Mumbai Academy Mami, which is still happening right now. And what has kept it going is obviously the number of people coming out without feeling the shame or the stigma. कि मेरे साथ कुछ सेक्सुअल हुआ तो मैं बोलूँ या नहीं. पीपल हैव रियली फाउंड द स्पेस एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया फॉर दैट, कि विदाउट यू नो फीलिंग एनी शेम पीपल आर एबल टू पुट देयर मैसेज अक्रॉस. सो ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ यूनिटी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ऑल 3 ऑफ अस एंड इवन सुशांत, एवरीबॉडी हैज बीन सेइंग दैट स्ट्रेंथ नीड्स टू कैरी ऑन, दैट स्ट्रेंथ नीड्स टू कंटिन्यू, एंड दैट्स हाउ प्रोबेबली वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप द मूवमेंट गोइंग एंड टेक यू नो सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन अगेंस्ट दिस. Again, if you look at different organizations and associations, so of course production houses are taking measures already. And if you look at the producers' guild, this is a letter on the right hand side. जो letter है वो producers' guild का है, जिन्होंने बोला कि अगले 30 दिनों में उनके जितने भी members हैं, they have to ensure that वो committee बना दें. ये जो directors' association है, इन्होंने भी similar एक statement release किया है that they will not work with someone who you know has probably been in this place or has done something like this. इसमें बेल का भी एक रेफरेंस है कि उनके अगेंस्ट कुछ आया था तो जिसकी वजह से उनको भी उन्होंने बोला रिमूव. मैडम, ये डायरेक्टर एसोसिएट है, अगर जिसके सामने ने किया वो डायरेक्ट किसी एसोसिएट का मेंबर ही नहीं है तो क्या करेंगे? सी, अगर मेंबर नहीं भी है तो पुलिस का ऑप्शन तो हमेशा है. अगर हमारी कंट्री में हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, फॉर दैट मैटर अगर आप आदमी हो, मान लो आपके साथ भी कुछ होता है, हमने जो लॉज देखे उसमें से बहुत सारे लॉज थे जो औरतों के लिए थे, राइट? अगर किसी के साथ कुछ भी होता है तो पुलिस तो आपके बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है या नहीं. सेकेंडली, दे आर ऑल्सो नाउ लुकिंग एट
amending the constitution that Sinha has to ensure that sexual harassment jo term hai wo as a misconduct usme add ho jaye taki koi bhi aur disciplinary misbehavior agar hota hai to usme one of the misbehaviors will now also be sexual harassment. They will also make some more changes in the constitution to ensure ki jo redressal mechanism hai wo thoda aur better ho jaye in terms of easier ho jaye. अगर आप अभी देखो ये नीतू का ही रिजल्ट भी है. एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सेट किया गया है जो मिनिस्टर वगैरह ने अनचार्जर गवर्नमेंट ने सेट किया है जहाँ पे जो करंट लॉ जो 2013 का जो कायदा हम देख रहे थे उसमें भी चेंजेस आने की बात कर रहे हैं बिकॉज दे आर फीलिंग कि वो भी इनसफिशिएंट है. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जितनी चीज़ें यहाँ आती हैं वो सारी की सारी बिकॉज ह्यूमंस आर इवॉल्विंग एंड हम सब चेंज हो रहे हैं लॉज को भी और प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होने की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है. सिंटा इज वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट हैरेसमेंट किसी के साथ भी हो सकता है. सो द पॉलिसी विल बी जेंडर न्यूट्रल. सो बेसिकली एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु हैज एनी कंसर्न्स दे कैन रीच आउट बिकॉज द पॉलिसी विल बी फॉर एवरीबॉडी. नाउ लेट्स लुक एट द अदर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन. सिंटा विल ऑल्सो मेक अ कमिटी सेक्शुअल हैरेसमेंट कमिटी सो दैट किसी का कोई भी कंसर्न हो तो वो यहाँ पे एड्रेस हो सके. अवेयरनेस क्रिएट किए जाएंगे. One of this today is one of the first projects. ऐसे और projects होंगे आगे. Internal committee की भी training होगी. आप इसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर कोई evidence नहीं है तो कैसे होगा. So ये जो committees बनती हैं इन committees के पास civil court like powers होते हैं. तो उन powers को कैसे use करना है, कैसे complaint को handle करना है और truth तक कैसे पहुँचना है वो सारी चीज़ों का training होता है. And there are one day trainings, two day trainings, full day trainings. जिसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं. हैविंग सेड दैट कुछ कुछ ऐसे केसेस ऑफकोर्स होते हैं जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिल पाया एंड कमिटी भी एक सिविल बॉडी होती है तो कभी कभी हो जाता है कि बिल्कुल ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है देन एंड ओनली देन इट इज़ इनकंक्लूसिव. अदरवाइज इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस द कमिटी नोज हाउ टू फॉलो इट एंड हाउ टू कम टू अ डिसीजन. इसके अलावा सिंपोजियम्स होंगे या मीडिया के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन होंगे सो दैट द अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट. एंड ऑफकोर्स मीडिया है तो ज़्यादा लोगों को फिर पहुँचेगी भी तो नेचुरली अवेयरनेस भी डिफरेंट लेवल का क्रिएट होगा. इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट जैसे सना जब डिस्कस कर रहे थे कि आप वेरियस कमिटीज के पास जा सकते हैं ना करते हैं आप सिंटा से आगे भी सपोर्ट ले सकते हैं तो सिंटा आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. एंड अगर आपको लीगल सपोर्ट चाहिए तो उसमें आपको फ्री लीगल एडवाइस देती हैं एंड सब्सिडाइज रेट पे लीगल हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करते हैं. बाकी के कुछ और मेजर्स हैं जो सेंटर ले रही है विच अगेन दिस इज एज अ हेल्दी मेजर दैट दे आर वांटिंग टू डू बिकॉज दे आल्सो वांट टू कीप द मूवमेंट गोइंग ऑन एंड जस्ट बिकॉज किसी ने ये स्टार्ट किया है तो इट शुडंट गो वेस्ट. सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग लुक्ड एट. फर्स्ट इसकी मिनिस्ट्री के साथ लाइन करना टू सी कि इन चीज़ों के बारे में और क्या किया जा सकता है कैसे सारे कंसर्न्स को यू इतने सारे जो आज अपने कंसर्न्स रेज किए उसमें से बहुत सारे एड्रेस करने में आज भी चैलेंज आएंगे तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं स्पेशली इन लाइट ऑफ द फैक्ट कि अब सेक्शन 377 आपने सुना होगा शायद जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन पीपल ऑफ द सेम जेंडर दैट हैज बीन ओकेड नाउ थैंकफुली जो रही फॉर थिंकिंग जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो उन चीज़ों का भी क्या इम्पैक्ट होगा क्या रिजल्ट होगा फिल्म इंडस्ट्री पे जनरली भी लाइफ पे लोगों के. सो टू दैट एक्सटेंड द डिस्कशंस कैन हैपन. जो कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड हैं या फिर और भी जितने एसोसिएशन हैं उनके साथ आयोजन करना टू चेक कि किस किस्म के गाइडलाइंस बनाए जा सकते हैं विच एवरीबडी कैन फॉलो सो दैट एवरीबडी कंसर्न आर टेकिंग केयर ऑफ. जैसे आप लोगों ने पूरा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जिसमें फेक लोग आइडेंटिफाई हो सकते हैं. दोज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स एंड मे बी वी कैन टेक दोज डिस्कशंस फॉरवर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस एज वेल. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स. देन सेट पे काउंसलर होने का यू नो दैट समथिंग अगेन वी कैन पुट थ्रू एंड सी कि वो चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं एनी वेदर दोज काइंड थिंग्स विल वर्क और नॉट. बिकॉज अगर किसी को इमीडिएटली वहाँ पे कंसर्न होता है तो देयर इज अ काउंसलर जो आपके यू नो इमीडिएटली हेल्प कर सकता है. सो दोज आर सम ऑफ द आइडियाज दैट यू नो वी बीन लुकिंग एट एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज. एंड ऑफ कोर्स टू स्पीक टू द प्रोडक्शन हाउसेस देमसेल्व्स टू इंश्योर दैट पोस्टर्स हुए सेट्स पे सो दैट कि जो भी एक्टर्स हैं जिनके साथ अवेयरनेस सेशन नहीं हुए हैं जिनको नहीं पता है वो एटलीस्ट पोस्टर्स वगैरह देख के समझ सकें कि यू नो दीज आर द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल टू मी. वेरी क्विकली लेट्स लुक एट सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स. अगेन डूज एंड डोंट्स आर नॉट मेंट टू से दैट यू नो सेक्शुअल हैरेसमेंट
हो रहा है तो लेते रहो एंड जस्ट हेल्प योरसेल्फ, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट टू एंश्योर दैट यू आर बीइंग स्मार्ट, यू आर बीइंग सपोर्टिव टू द अदर पर्सन एंड एट द सेम टाइम यू आर बीइंग सेफ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. चेंजेस आर हैपनिंग, वी आर वॉन्टिंग टू रीच अ स्टेज वेयर ये चीज़ें होनी बंद हो जाएँ, बट वी ऑल्सो नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट, राइट. सो सम ऑफ द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन लुक एट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इंश्योर कि उसमें टू द एक्सटेंट पॉसिबल डिटेल्स हों, किस टाइप की सीन्स होंगी, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, क्या करने को कहा जाएगा, कॉस्ट्यूम्स किस किस्म के होंगे, इंटरव्यू सीन सोच रहे हो तो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, राइट. वो सब चीज़ों के बेसिस पे आपके रोल्स आइडियली डिसाइड होने चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन कर देते हैं बिकॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे भी होते हैं, 80-90 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने भी देखे हैं, तो वो बिना पढ़े भी लोग साइन कर देते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक के अंदर क्या लिखा है, व्हाट इज इट दैट यू आर बीइंग एक्सपेक्टेड ऑफ. इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लिखी होती है, मेरे जैसा तो नहीं पढ़ पाएगा उसके, मतलब नहीं समझ पाएगा. तो आप उनसे पूछें ये क्या लिखा है, जो उसकी मिस सिंपल है, जहाँ समझ नहीं आए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ लेकर के आइए या मेल कीजिए, यहाँ लीगल एडवाइस भी फ्री है. अगेन अप्रेज एंड व्हाट द प्रोसीजर है, एनकरेज देम टू रिपोर्ट टू अथॉरिटीज. नाउ आज आप सब लोग कालीन ऑनलाइन सेशन में, आप सबको पता है आज बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, 9000 प्लस मेंबर्स हैं. सो इफ यू मीट पीपल एंड हु आई मीन दे डोंट नो दैट, प्लीज टेल देम अबाउट दिस. डोंट ऑब्वियसली डोंट एंगेज इन सेक्शुअल हैरेसमेंट, टुडे यू नो व्हाट दिस इज एंड क्लीनलीनेस ऑलवेज स्टार्ट्स एट होम. So it's best that we don't engage in these kind of activities. Jaise Shushant pehle bhi bol rahe the, it's always nice to ask the person, are you okay with this? Yes, it may take 5 more seconds, 5 second ka delay hoga, but it will be safer, it will be nicer, it will be better for the other person as well. Forget you. Looking at engaging in unruly behavior, of course this is connected, both of them are connected. Gossiping about victims, बहुत बार हम gossip करते हैं because obviously people are involved, उनके reputation से involved हैं, हमारे colleagues हैं, हम जानते हैं उनको, उनके बारे में बातें करने में मज़ा भी आ सकता है. But gossiping about things like this, they sometimes trivialize the matter as well, बहुत छोटा बना देता है पूरी चीज़ को और किसी की इज्जत भी जाती है, right? तो imagine अगर हम होते उस जगह पर कोई हमारे बारे में उसके वैसे बात कर रहा होता तो हमें कैसा लगता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नॉट गॉसिप. Again, like I said, cleanliness starts at home. So we need to first have control on ourselves. Only then we can expect somebody else to, do that. Stereotyping again is very very common. हमें लगता है हम एक space में हैं तो सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए. Again, स्मृति ने और समर दोनों ने discuss space के बारे में. तो stereotype नहीं करें, सोचें सामने वाला different हो सकता है. And do not tolerate that behavior. It is high time that we do. So that's how we'd like to end this, and Sushant, please. Thank you. So, thank you, Shivangi, Sana, Smriti. Thank you, all of you. As we said, ki sab kuch to open. ICC committees, sari federal unions bana rahi hain. Sach baat ye hai ki law ke hisab se आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी आईसी कमेटी के पास ही आपकी कंप्लेंट जाएगी. लॉ के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट, हम कितनी भी कमेटी बना लें कॉस्मेटिक बातें हैं. हम जो कमेटीज बना रहे हैं मेनली अवेयरनेस ड्राइव के लिए और एज प्रेशर ग्रुप्स, जब आपकी बात ना सुनी जाए, प्रोड्यूसर एम्प्लॉयर या ब्रॉडकास्टर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तब हमारी कमेटी हमारा प्रेशर ग्रुप, और हमारी कमेटी हमारे मेंबर्स के अगेंस्ट ही एक्शन ले सकती है. जैसे आरोप में आपका केस है जहाँ पर हमारे मेंबर गलत हैं, ऐसा 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 काम कर रहे हैं जिससे हमारी छवि को हानि पहुँच रही है, तो हमारी कमेटी कम से कम जो कर सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है एसोसिएशन से एक्सपेक्ट कर सकती है. और आज की तारीख में कम से कम इतनी तो स्टैंडिंग है सिंटा की कि अगर हमने किसी को एक्सपेक्ट किया यहां से तो उसे हायर करने से पहले कोई भी वो बात सोचे. बाकी कोशिशें हैं साथ मिलकर के, जो आपके सुझाव होंगे चलते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, गवर्नमेंट से बातें होनी है वगैरह वगैरह वगैरह, दैट विल बी क्विक, जस्ट नीड योर सपोर्ट. चुप मत रहे, जहाँ भी है जो भी है दिक्कत है अनोनिमस ना रहे, खुद में अकेले खुद को अकेला महसूस ना करें, हम साथ हैं, हमारा काम इतना है टू सपोर्ट वेर एवर यू नीड, वो चाहे पर्सनल लाइफ में भी है, देयर ऑल्सो वी रीच आउट, कास्टिंग डायरेक्टर तंग कर रहा है कोई भी कहीं भी, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कम टू अस, वी विल डू व्हाटएवर वी नीड टू. I'm sorry, I forgot to mention one point. If at all anybody needs any, wants to have any discussion or anything,
जिंदा में आपके एक इनहाउस काउंसलर भी हैं राइट, आदित्य नाम है उनका, आदित्य। सो आपको अगर कुछ भी वैसा डिस्कशन करना है, कुछ भी करना है, तो यू कैन रीच आउट टू हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।